नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि ट्यूसडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों आज के लेवल के लिए, आज के ऑप्शन चैनल्स के लिए लाइक बनता है यार, 500 तो लाइक अभी के अभी कंप्लीट करके दिखा दो बस। और अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को दोस्तों क्लासी मार्केट को अगर ज्वाइन नहीं किए, अभी कभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैं लास्ट थर्सडे के दिन लेवल दिया था, स्टूडेंट लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इवन 4-4 लाख तक प्रॉफिट किया। आप देख सकते हैं 1 लाख प्रॉफिट, 4 लाख प्रॉफिट, लाइक 50,000 प्रॉफिट, अगेन 1 लाख प्रॉफिट। क्योंकि पिछले वाले जो लेवल था, फिर हर दिन कहीं ना कहीं लेवल ब्लास्ट करता है और जब जब लेवल चलता है तो 300-400 पॉइंट कहीं नहीं जाता पिछले हफ्ते। और आज के दिन की अगर आप बात करें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं सुबह सुबह निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल वगैरह प्रॉपर दे दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होते ही मैंने क्लियरली बोला 40,000 अगर ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा तो ही बाय करेंगे बोल के, नहीं तो नहीं मैंने बोला। इवन आप देख सकते हैं सेलिंग का लेवल दिया 39,602 जो मैंने सेलिंग का लेवल दिया था। दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जैक्टली पहले से देख रखा था, मार्केट आया एग्जैक्टली मेरे सेलिंग का लेवल को टच किया, से नीचे सस्टेन ही नहीं किया और यहां से मार्केट फिर घूम गया और ऊपर का लेवल। आज मार्केट पूरे के पूरे रेंज बाउंड था और पिछले गुरुवार के दिन में ये वाला लेवल दिया था, यहां से ही मार्केट कितना अच्छा। हर दिन में लेवल देता हूं दोस्तों, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी प्रॉपर दिया था और बोला था कि आज मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहने वाला है बोल के, और प्योरली आपको बहुत सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो जाइए अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल एंड क्या प्लान रहना चाहिए। बहुत सिंपल से समझाऊंगा, 2 मिनट टाइम दीजिए बस, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी में हमारा कल लिए प्लान क्या रहना चाहिए। देखिए पहले प्लान, हम डेमी बैंक निफ्टी को बाय कब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस गया है, तो बाय कब करना है। कल समझ लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप या फिर थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हुआ और 39,947 अगर ब्रेक किया और सस्टेन किया तो यहां से आपको अच्छा खासा अगेन अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर तो गया लेकिन एग्जैक्टली इसी प्लेस से मार्केट फिर से नीचे घूम गया, तो कल अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो डेफिनेटली 40,000 तो पहुंच ही जाएगा, 100 पॉइंट इजीली मिल जाएगा। ब्रेक करते ही आपको बाय करना है विद इन अ सेकंड, राइट। और 40,000 अगर ब्रेक किया तो उसके बाद और 500-600 पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, क्लियर कट अपसाइड मूव रहेगा, ठीक है। और आपको बैंक निफ्टी को सेल कब करना है, देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आज भी गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये जो गैप है दोस्तों ये फील होना बाकी है। तो सिंपल सी बात है भाई, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी प्लेस से मार्केट ने आज दो दो बार सपोर्ट लिया जो मैं लाइक लेवल देके रखा था। तो कल अगर फ्लैट अभी थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है और 39,569 को अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो यहां से भी आपको अगेन 100 पॉइंट का मूव देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, 39,363 अगर आएगा तो यहां से एक बुलिश कैंडल बनाएगा, तो डेफिनेटली यहां पे आप बाइंग कर सकते हो। समझ लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग हो गया, अगर 39,363 को आया और टच किया, ऐसे बुलिश कैंडल बनाया 15 मिनट में, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों प्रीवियस जो हमारा क्लोजिंग प्राइस ये यहां पे एग्जैक्टली सपोर्ट के जैसा काम करेगा, ऊपर से गैप भी फील हो जाएगा और सपोर्ट की जैसा काम करेगा, और यहां से आपको बहुत बड़ा अगेन अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का समझ में आ गया। आप अल्ट्रा बेयरिश कब हो जाओगे, मतलब अच्छा खासा आप अच्छे खासे क्वांटिटी में सेल कब करोगे, देखो एक लेवल बता देता हूं। क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है, प्राइस टच किया ऊपर गया, अगेन आया घूम के प्राइस टच किया फिर ऊपर गया, अगेन आया घूम के आप देख सकते प्राइस इसी प्लेस को टच किया फिर ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है ना अभी तक वैलिडनेस होते, ट्रेंड तो अपसाइड है। तो अगर समझ लो जिस दिन 39,189 टूटेगा तो ही आपको सेल करना पड़ेगा। रीजन क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा और ये ट्रेंड लाइन को जब तोड़ देगा तो ये जो पूरे के पूरे अप ट्रेंड था ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइक डाउन ट्रेंड में, और यहां से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी में हमें क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ लाइक आपको ही पता है क्या करना है। सिंपल सी बात है, 18,540 के ऊपर ही आपको बाइंग करना पड़ेगा। रीजन आपको पता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो टूटेगा तो सीधा आपको 18,600 क्या उससे ऊपर देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं तो ओपन चैलेंज देकर रखा हूं कि भाई बहुत दिन में आपको 18,700 भी देखने को मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और आपको सेल कब करना है निफ्टी को, 18,445 अगर टूटा तो यहाँ पे आपको सेलिंग करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं आज भी जो गैप ओपनिंग हुआ कहीं ना कहीं ये गैप जो है वो फिल हो सकता है। सो दैट कल अगर फ्लैट अभी थोड़ा गैप ओपनिंग होके 18,445 अगर टूटा तो आपको सेल करना है। अगर समझ लीजिए गैप डाउन, यहाँ पे समझ लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गया, गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो चुपचाप बैठना है। क्या करना है, नीचे अगर बैंक निफ्टी आया और एग्जैक्टली यही जोन अगर 18,346 अगर टच किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, तो ये अगेन सपोर्ट की जैसा काम करेगा, तो यहां से आपको बाइंग करना है अगर इस लेवल को टच किया तो, राइट। और अगर समझ लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग होके ऊपर गया और 18,445 लेवल को टच किया तो यहां से आपको
अगेंस्ट सेलिंग करना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रीवियस सपोर्ट जोन था, जब जाएगा तो आराम से ये रेजिस्टेंस की जैसा काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ कंप्लीटली समझ में आ गया दोस्तों लॉजिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार कैसा लगता है लाइव मार्केट में, जो भी आप लोग को एनालिसिस देता हूं, प्रॉपर लेवल देता हूं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।